दोस्तों ये लेटेस्ट सिक्योरिटी है, देख सकते हैं इसमें आपका स्क्रीन लॉक वर्क नहीं करेगा। इसमें देख सकते हैं एक बार और फिर से ट्राई करके देख सकते हैं, इसमें आपका स्क्रीन लॉक वर्क नहीं करेगा और आप में इसमें मल्टीपल यूज़र ये भी वर्क नहीं करेगा। साथ ही ये एंड्रॉयड सेटअप भी वर्क नहीं करेगा, कोई भी ऐप डिसेबल नहीं होगा दोस्तों। और ये मैं ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ देख सकते हैं, ये इजीली आपका FRP बाईपास हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं ये हमारा FRP बाईपास हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं ये FRP हो चुका है। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल मोबाइल टेक दीप में। ये आज हमारे पास आया हुआ है ये जो फ़ोन है वीवो का Y12S है, जो सेम आपको Y20 के जैसे दिखेगा। इसमें आप मैं जो मेथड बता रहा हूँ दोस्तों, आप ये फ़ोन आपका वीवो का कोई भी लेटेस्ट सिक्योरिटी वाला फ़ोन है, इस मेथड से आप कोई भी फ़ोन को कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप Y12 को ही करो, Y20 कर सकते हैं, Y12S कर सकते हैं, Y15S कर सकते हो, नया सिक्योरिटी जो भी हो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको वाईफाई से कनेक्ट हो जाना है दोस्तों। सबसे पहले आपको कोई भी एक वाईफाई से कनेक्ट हो जाना है दोस्तों। मैं जो FRP का जो मेथड बताता हूँ सबसे अलग टाइप का बताता हूँ। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं आपको एक बार चेक करके भी दिखा देता हूँ कि इसमें FRP लगा हुआ है या नहीं। ये हमारा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है और ये देख सकते हैं, ये एक बार आपको वाईफाई कनेक्ट हो गया है। और एक मिनट, इसमें कनेक्ट नहीं हुआ है वाईफाई हमारा, तो एक बार फिर से कर लेते हैं। ये थोड़ा सा समय लेता है इसमें दोस्तों, नेट हमारा इधर बंद था, वाईफाई बस कनेक्ट था। तो एक बार फिर से ट्राई कर रहे हैं, आपको दिखा देता हूँ। इसमें ये हम डोंट कॉपी करते हैं, इसके बाद हमको ये पैटर्न मंगेगा दोस्तों, जो पुराना जो पैटर्न रहता है वो पैटर्न हमको मंगेगा जो हमारे पास अभी नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पासवर्ड मंग रहा है इसमें, सॉरी पासवर्ड मंग रहा है इसमें। तो ये पासवर्ड हमारे पास अभी नहीं है, तो हम दोस्तों हम इसको कैसे बाईपास करेंगे, तो आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो पे थोड़ा नए मेथड के साथ। तो वीडियो पे बने रहे दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें नहीं तो आपको समझ नहीं आ पाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले पूरा बैक आ जाना है, मैं आपको अलग मेथड बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको टॉल्क बैक को ऑन कर लेना है दोस्तों, टॉल्क बैक को ऑन कर लेना है। उसके बाद मैं जो सेटअप बताने वाला हूँ वो अलग मेथड है। तो पहले आप टॉल्क बैक को वॉल्यूम प्लस माइनस को एक साथ प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस करना है आपको। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा, इनेबल टॉल्क बैक शॉर्टकट। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको टर्न ऑन कर देना है, उसके बाद फिर से आपको वॉल्यूम प्लस माइनस दोनों को एक साथ फिर से प्रेस करना है। ये ऑन कर दिए, अब इसके बाद फिर से वॉल्यूम प्लस माइनस ऑन दबाएंगे, इसके बाद हमारा ये टॉल्क बैक ऑन हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपको क्या करना है, साइड से नीचे के साइड तक, साइड से नीचे के साइड से एल बनाना है पूरा। ये हमारा आ गया सेटअप, अब इसको क्या करना है, टॉल्क बैक सेटिंग कर लेना है नीचे से सेकंड नंबर में, सबसे नीचे से साइड में, ऐसे फिर से करके दिखा दे रहा हूँ, ये सेकंड नंबर का है। एक मिनट, फिर से ये नीचे के साइड से आ गए हम, टॉल्क बैक फिर से सेटिंग करेंगे, ये इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको आपको क्या करना है, टॉल्क बैक को पहले ऑफ़ कर लेना है दोस्तों, टॉल्क बैक को वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के ऑफ कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है ये नीचे के साइड, ये ब्रेली कीबोर्ड ये है सेकंड ऊपर में सेटअप, ब्रेली कीबोर्ड को ऑन कर लेना है। उसके बाद टॉल्क बैक ब्रेली कीबोर्ड को ऑन कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, पूरा बैक आ जाना है, इसको एग्जिट कर देना है, फिर से बैक होना है, फिर से बैक होना है। अब फिर से हम इसको करेंगे स्टार्ट, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद दोस्तों अब इसको डोंट कॉपी करेंगे, डोंट कॉपी करने के बाद ये हमारा सेटअप आएगा ये पासवर्ड का। तो आपको ये इसमें आना है नीचे के साइड पे गूगल अकाउंट वाले में, इसके बाद आपको यहाँ पर गूगल आईडी डालने का ऑप्शन आएगा दोस्तों, जो हमारा पुराना गूगल आईडी है। तो आपको इसमें आपको गूगल आईडी डालना है, आपको स्पेस बार को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ये हमारा ये सेटअप इनेबल हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर को टाइप करके ऊपर वाला सेटअप को ऑन कर लेना है दोस्तों ये। फिर उसके बाद आपको एसेसिबिलिटी मेनू को ऑन कर लेना है, फिर अलाउ कर देना है, फिर गो इट कर लेना है।
समझ ना आया तो एक बार रिपीट करके आप देख सकते हैं। इसके बाद ये हमारा एसेसिबिलिटी ऑन हो गया। इसको टच करेंगे, थोड़ा सा इसका टच सही वर्क नहीं कर रहा है, इसको टच करेंगे, ये हमारा एसेसिबिलिटी मेन्यू आ चुका है, ऑटो बैक हो जा रहा है ये। तो एक बार इसका टच भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, ये एसेसिबिलिटी मेन्यू आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ओपन सेटिंग कर लेना है इसमें, वॉइस ओपन यूट्यूब, ओपन यूट्यूब करेंगे। लेकिन हमारा यूट्यूब ओपन नहीं हो रहा है, तो आपके यहाँ पर गूगल वाला सर्च आइकन को टच करके आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, यूट्यूब सर्च कर लेना है दोस्तों। तो वाई ओ यू ऐसा करते ही आपको ये यूट्यूब का आइकन आ गया, इसको टच करेंगे और हम यूट्यूब पे चले जाएंगे दोस्तों। यूट्यूब पे आ गए, उसके बाद अभी ऊपर का 3 डॉट है, इसको टच कर लेना है। उसके बाद टर्म ये एंड प्राइवेसी पे जाना है। इसके बाद आपका ये आपका क्रोम ब्राउज़र ये ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ सर्च बार में जाना है, इसको पहले से लिखा हो इसको क्रॉस कर लेना है। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर वी एन रोम, नीचे एक साइड पे बहुत सारा आ जाएगा, तो इसमें आपको वी एन रोम नेट बाईपास को टच कर लेना है ये वाला। इसके बाद दोस्तों आपको पहला वाला जो लिंक है इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ये हमारा सेटअप ओपन हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है, क्योंकि हमारा स्क्रीन लॉक तो काम नहीं कर रहा है, तो हम सेटिंग पे जाते हैं। सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे के साइड पे आना है और सिस्टम पे आना है। सिस्टम पे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये मल्टीपल यूज़र है, ये भी हमारा वर्क नहीं कर रहा है, तो हम दूसरे मेथड से इसको ट्राई करेंगे, जो फ़ोन क्लोन वाला, फ़ोन क्लोन का ये मेथड हम ट्राई करेंगे दोस्तों। इसमें क्या करेंगे, आपको इसको न्यू फ़ोन कर लेना है, ओल्ड फ़ोन और न्यू फ़ोन, तो हमको क्या करना है, न्यू फ़ोन कर लेना है। तो ये न्यू फ़ोन का हम टच करेंगे, ये इस मेथड से करेंगे ये न्यू फ़ोन, फिर एंड्रॉयड करेंगे, फिर ये ओके कर देंगे, फिर अलाउ कर देंगे सबसे ऊपर वाला। अलाउ करने के बाद ये हमारा स्कैनर ओपन हो जाएगा। अब इस फ़ोन को हम रखेंगे साइड में। आपको दोस्तों इसके लिए एक और कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन का रहेगा ज़रूरत रहेगा, तो अब आपके पास जो भी कोई एंड्रॉयड फ़ोन हो उसको आप ले लेना है। इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाना है, आपको प्ले स्टोर सर्च कर लेना है। इसमें प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको दो एप्लीकेशन इसमें डाउनलोड कर लेना है। हो सकता है एक एप्लीकेशन आपके फ़ोन में ऑलरेडी पहले से हो, तो आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। ये हमारा प्ले स्टोर ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको सर्च करना है ईजी शेयर, बहुत सारे फ़ोन में ऑलरेडी पहले से रहता भी है। आपको ये वाला जो दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ईजी शेयर ये वाला ओपन कर लेना है, ये वाला, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। एक और एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है इसमें, एक्टिविटी ये मैनेजर देख सकते हैं, ये मैं आपको इसका लोगो भी दिखा दे रहा हूँ, ये रेड कलर का है, एक्टिविटी मैनेजर, यही आपको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। दो चीज़ आपको इस दूसरे फ़ोन पे डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद क्या करना है आपको, इजी शेयर को आपको ओपन कर लेना है, ये वाला इजी शेयर को ओपन करेंगे। इसके बाद फ़ोन क्लोन पर जाएंगे, इस पर आपको ओल्ड फ़ोन करना है दोस्तों, उसमें न्यू की है, इस पर आपको ओल्ड कर लेना है। फिर यहाँ पर हमारा बार कोड आ जाएगा, और यहाँ पर जो स्कैन वाला जो ऑप्शन आ रहा है, जो हमारा FRP लगा हुआ है, उससे इसको स्कैन कर लेना है। फिर ये फ़ोन जो है दोस्तों, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर पूरा डाटा इसका शो करेगा दोस्तों, कि हमको क्या क्या इसमें ट्रांसफ़र करना है उस फ़ोन में। तो हमको बाकी चीज़ कोई भी चीज़ कॉपी नहीं करना है, हमको जाना है ऐप्स में। ऐप्स में जाने के बाद हमको एक्टिविटी मैनेजर को ही आपको कॉपी करना है, तो उसी टिक करके ओके करना है। फिर आपको ये 4 MB का डाटा है, हम इसी को ओके करके नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। उसके बाद ये पैटर्न मंगेगा, पैटर्न डाल के हमको स्टार्ट कॉपी करेंगे। ये हमारा दूसरे फ़ोन में ये ट्रांसफ़र हो रहा है दोस्तों। इधर राइट का सैंपल भी आ गया है, और इधर हमारा 100% हो चुका है दोस्तों, ये वाला फ़ोन में जिसमें हमारा FRP लगा हुआ है। यहाँ पर हमारा ये एप्लीकेशन आ चुका है, मैं एक बार आपको अच्छे से भी दिखा देता हूँ। इस फ़ोन को साइड करते हैं, साइड करने के बाद आपको एक बार बैक करके दिखा देता हूँ। ये हमारा ये हो गया, ये राइट हो गया है। ऊपर पे आपकी ये हिस्ट्री का सेटिंग है, इसको टच करने के बाद एप्लीकेशन आएगा, ये हमारा एक्टिविटी मैनेजर है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इसमें एक ये हमारा सेटअप थोड़ा सा लगभग 1 मिनट के आसपास, आप 1 मिनट या लगभग 30-40 सेकंड लग सकता है ओपन होने में। तो इसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ साइड टाइप करना है, ये नीचे के साइड पे आपको एक सर्च बार मिलेगा, फिर ये येलो कलर का, इसको आपको टच करना है। यहाँ पर टच करके दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना है फैक्ट्री रीसेट,
यहाँ पर आपको सर्च करना है फैक्ट्री रीसेट। जैसे आप टाइप करेंगे ये हमारा सेटअप आ गया है, इसको टच करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड नंबर का ऑप्शन है इंजीनियरिंग टेस्ट, सेकंड नंबर पे ऊपर से सेकंड है, इसको टच करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ऊपर से तीसरे लाइन में तीसरे पे जाना है, ऊपर से तीसरे में, फिर सबसे ऊपर का बैक टू होम कर लेना है। सबसे ऊपर के सेटिंग में देखिए बैक टू होम और इनिशलाइज टू इंग्लिश कर देना है दोस्तों, और आपका फ़ोन पूरा 100% FRP बाईपास हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं हमारा फ़ोन FRP बाईपास हो गया है। दोस्तों वीडियो पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है ही नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।